तो ये जो देख रहे हो मेरे सामने ये मीना हो रहा है, और मीना कैसे हो रहा है आज मैं वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा। और मैं हमेशा ज्वेलरी टिप्स देता रहता हूँ और बताता हूँ जो ये सब ज्वेलरी प्रोसेस, ज्वेलरी के ऊपर जो भी काम रहता है, मैन्युफैक्चरिंग एपिसोड में सब कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर चलो चलते, पहले देख लेते मीना कैसे होता है। मेरे सामने ये जो पीसेस जो रखा हुआ है इसके ऊपर अभी मीना भर रहा है, तो मैं दिखाऊंगा जो इसके अंदर मीना कैसे हो रहा है और मीना कितना टाइम में सूखता है, पूरा एपिसोड में आज वीडियो के अंदर बताने वाला अभी। ये जो देख रहे हो ये रानी कलर का मीना है, अब ये मीना के साथ हार्नर भी ऐड होगा। और ये कितना टाइम में सूखता है, आज मेरा जो टॉपिक जो है, जो वीडियो जो है, आज मेरा वीडियो ये मीना के ऊपर है, जो ये हार्नर देने के बाद कितना टाइम बाद ये सूखता है और मीना कैसे किया जाता है, इसका फुल प्रोसेस आज मैं वीडियो के माध्यम में आप लोगों को मैं दिखाऊँगा और बताऊँगा भी जो मीना कैसे होता है। तो देख सकते हो ये दोनों लिक्विड अभी एक साथ में इसको मिलाया जा रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी ये जो ट्यूब जो है, अभी ये कलर को ये ट्यूब के अंदर डाला जाएगा और फिर उसके बाद जो प्रोसेस जो है मैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहे एंड तक, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा जो ये मीना एक्चुअली कैसे बनता है और इसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस रहता है, हर एक जानकारी मैं वीडियो के माध्यम में आज मैं देने वाला हूँ। और जो यहाँ पे जो मीना होके रेडी है, मैं कुछ फोटोज वगैरह कुछ वीडियो के माध्यम में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो यहाँ पे रेडी हुआ है। ये जो डिज़ाइन जो देख रहे हो, ये डिज़ाइन अभी फिलहाल एक साइड पे खाली है और उस साइड पे मीना भरा हुआ है। और ये जो खाली जो है, मैं अभी ये खाली दिखा रहा हूँ, अभी मैं उस बाजू से मैं आप लोग को दिखाऊँगा जिसमें मीना किया हुआ है। अभी इसमें मीना किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देख सकते हो इसके ऊपर अभी मीना भरा हुआ है और ये सूखने के लिए अभी ये हवा के सामने बाहर रखा गया है। और ये कितना टाइम में सूखाता है वो मैं वीडियो में मैं बोलने बताने वाला हूँ, जो ये कितना टाइम में सूखता है। और यही है पीस जो मैं सामने से दिखाया, जो खाली भरा पड़ा था जिसमें मीना नहीं हुआ था, और जो सामने से मीना होके रेडी है, तो यही है पीस। यहाँ पे ब्लैक मीना किया गया है इसके ऊपर। और अभी जो मीना कर रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोग को, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देख सकते हो इसके ऊपर मीना किया जा रहा है। तो ऐसा मीना किया जाता है। ये तो इसको ही बोला जाता है मीना, और ये मीना मीना कारीगरी जो काम है इसको ही बोला जाता है मीना कारीगरी, जो कलर का काम बनता है इसके ऊपर। और ये जो मीना जो किया जा रहा है, ये कम से कम सूखने के लिए मैक्सिमम 2-2.5 घंटा का टाइम लग जाता है ये पूरा सूखने के लिए। अभी ये जो ऊपर जो दिख रहा है आपको, आप सबको, ये हर डिज़ाइन ये मीना किया गया है और अभी इसको ऊपर रखा गया है सूखने के लिए। और आप लोग जो मेरे को कमेंट किया था जो ये कितना टाइम में सूखता है और हार्नर कितना ऐड करना चाहिए, बात वो नहीं है, मतलब कोई भी दो मतलब सूख।
यहाँ पे ये पीला कलर में बन रहा है। मीना ऐसे किया जाता है। तो यही है मीना कारीगरी का काम, और इसको सूखने के लिए इसको 2.5 से 2 घंटा टाइम लगता है सूखने के लिए। जैसे यहाँ पे ये सब मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सब मीना हो गया और इसको सूखने के लिए रखा गया है। यही है हन्नर और यही है मीना। मीना का कलर होता है ये ब्लैक, रानी ये रानी कलर में है, और सामने ये व्हाइट कलर में दिख रहा है। बाकी मीना का बहुत कलर होता है, और ये जो दिख रहा है ये लुकेट, ये है हन्नर, और इसको ऊपर रख के इसको मिलाया जाता है। और अभी ये जो डिजाइन देख रहे हो ये खाली है, इसमें मीना किया नहीं है, ये भी खाली है, देख सकते हो पूरा, इसके अंदर भी मीना होगा। ये सब पीस मीना के लिए आया है, अपना जो काज नहीं है काज अभी ये बांधने के लिए बाकी है मीना। यहाँ पे ये दूसरा कलर का फिर मोटा मोटी 3-4 दिन आगे धरो पैसा हो जाएगा। ये पीला कलर में मीना, और एक कलर यहाँ पे देख सकते हो, ये फिरोजा कलर बोलता है इसको, और ये साइड में रखा हुआ है ये पीला कलर। और मैं बोला ये हन्नर है, आप लोग को दिखाई देता हूँ कौन सा कंपनी का हन्नर है। और बाकी यहाँ पे जो देख रहे हो टाइम देता हूँ तो हमें कना ये सब कलर व्हाइट, ये ब्लैक, ग्रीन, ये रानी व्हाइट, और बाकी यहाँ पे जो सामान जो यहाँ पे रखा गया है छोटा बड़ा, ये सभी काम का सामान। तो मीना करने के लिए ये सामान आप लोग को चाहिए, पहले तो आप लोग को चाहिए कलर, दूसरा चाहिए हन्नर, और ये सब सामान जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब सामान आप लोग को चाहिए मीना कारीगरी काम के लिए। और अगर आप लोग जो वीडियो मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर किसी को मीना करवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कारीगर का नंबर दे के रखूँगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और मैं ज्वेलरी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, मेकिंग प्रोसेस मीना, मीना कारीगरी A to Z जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से मैं देता हूँ, चाहे आप लोग चेक कर सकते हो। ज्वेलरी काम के ऊपर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है A to Z में वीडियो बना के रखा हूँ, जाके आप लोग चेक कर सकते हो जो ये ज्वेलरी टाइप चीज़ कैसे बनता है, कास्टिंग कैसे होता है, मीना कैसे होता है, कितने टाइम में सूखता है, A to Z कुंदन का नेकलेस कैसे बनता है, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, सिल्वर कैसे होता है, कास्टिंग कैसे होता है, हर A to Z वीडियो में बना के रखा हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मीना कैसे बनता है और ये कितने टाइम में सूखता है। मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से सब डिटेल्स में बता दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय।